रुकिए मधुबे, कहाँ जा रही हैं आप? विवान जी, मैं वो मैंने कहा ना कि आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं मेरी नजरों के समक्ष रहेंगी। अरे विवान जी, मैं कौन सा घर से भागी जा रही हूँ? अगर आपको चाहिए ना तो मेरे पैरों में बेड़ियां लगा दीजिए, बस यही बाकी रह गया है अब। फिलहाल तो उसकी आवश्यकता नहीं है, पर कृपया अपने व्यवहार से मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि वो भी मुझे करना पड़े। क्षमा चाहती हूँ मोटा भाभी, पर मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर कर रही हूँ। इनका यहाँ रहना उचित है, इनके लिए भी और हमारे लिए भी। मधु विवान, बेसी जाओ, बच्चे अभी आते ही होंगे। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मुझे क्या। साहिर, तुम ना बस ऐसे ही सोते रहो, अब सीधे सहरा पहनने के लिए ही उठना। ए भाई, इससे पहले बैलगाड़ी चलाता था क्या? अरे तेज चलाना गाड़ी। चला रहा हूँ ना मैडम। अरे भाई, डरना क्या है, बिंदास चला, पैडल मार जोर से। अरे ये स्टेयरिंग जाम क्यों हो गया? इसने बोला था इतनी जोर से चलाने को। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटती हूँ, अभी इससे निपटती हूँ। पूरा सामान गिरा दिया मेरा। ओए भाई, तुझे एक्सीडेंट करने के लिए क्या हमारा ही टेम्पो मिला था? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरा पानी पूरी और चटनी सब गिरा दिया, और ऊपर से दादागिरी करती हो। मेरा नुकसान हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? तेरा सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान ना हमारा भी हुआ। ये देख, हमारे टेम्पो में तूने कैसे खरोचे मार दिए। मेरी पानी पूरी और चटनी। पानी पूरी चटनी के बच्चे, तुझे बस उसी की पड़ी है। कितना किटकिट करता है, चल फुट यहाँ से। कैसी पागल लड़की है? पागल? अबे पागल होगा तू, तेरे बाबूजी, तेरे बाबूजी के बाबूजी, तेरा पूरा खानदान। अरे यार, ये क्या क्या कर रही है? ये तेरी चटनी, ये ले, ये ले, खा ले चटनी, खा ले। अरे भाई साहब, अरे पागल है ये लड़की। बस कर, ज्यादा बकवास मत कर, कर अगर पुलिस आ गई तो हमारा सामान पकड़ा जाएगा। चल यहाँ से निकलते हैं। हाँ, तुमसे हो रहा, चल चलो चलो। अरे कहाँ जा रही है, रुक, अरे कोई रोक इसे, मेरा इतना नुकसान कर दिया और भाग रही है। लगता है इसे तो होता रहा है, क्या करूं? पूरा तेल लीक कर रहा है। तो अपने को कौन सा घर लेके जाना है तेल? चल तू आगे बढ़ा। अरे नहीं, आगे बढ़े तो आग लग सकती है। क्या बात कर रहा है? वैसे भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। चलो तुम लोग एक काम करो, जल्दी से इनको नीचे उतारो। और सुनो, एक खरोंच बिना आनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों को नोच डालूंगी मैं, समझे? हेलो, कुछ पता चला गोपी? वो माजी, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। वैसे तोलू सोना के फोन को ट्रैक करने की बहुत कोशिश कर रहा है। देख, यहाँ आसपास फोन की लास्ट लोकेशन बता। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सारू,
की कैब। यस डैड, जोशी का फोन। लेकिन अगर ये फोन हमें यहाँ मिला है, इसका मतलब हो सकता है सोनाक्षी यही कहीं हो आसपास। देवर जी, उधर चलकर देखते चलिए, वहां कुछ तो जरूर हुआ है। हाँ, चले। कब हुआ ये सब? साहब, करीब एक घंटा पहले एक टेम्पो मेरे दुकान को ठोक के चले गई। टेम्पो में कौन कौन था? साहब, बाकी का तो मालूम नहीं, लेकिन उसमें एक लड़की थी, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, मुझे धमकी दे रही थी, मेरी गलती नहीं थी तो भी। पागल थी इंस्पेक्टर साहब। देवर जी, उस वॉचमैन ने भी कहा था कि वो मोलू को किसी टेम्पो में लेकर गए हैं। हाँ बड़ी माँ। ये भाई साहब जिस लड़की के बारे में कह रहे हैं, कहीं वो लड़की ना तो नहीं? हाँ बड़ी माँ, वो सोना ही थी। किधर गए वो लोग? साहब इस तरफ गई। ये ऑयल कहीं उसी टेम्पो में से लीक तो नहीं हो रहा? ये तो सोना का झुमका है। डैड और बड़ी मम सोना तक पहुंचे, उससे पहले मुझे सोना तक पहुंचना होगा, ताकि मैं जाकर सोना को समझा सकूं। भाभी, दोनों कहाँ गया? अब एक मिनट। डैड का फोन। हेलो दोनों, बेटा कहाँ हो तुम? डैड, मैं बस आसपास ही हूँ, आप चिंता मत करो। आप लोग भाई को बाहर ढूंढिए, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, जैसे कुछ पता चलता है आई विल कॉल यू डैड, ओके? हाँ लेकिन क्या हुआ देवर जी, कहाँ है? कुछ नहीं भाभी, वो बस मोलू को ढूंढ रहा है। ये गाना जी, हमारी मोलू की रक्षा कर। आपको यकीन है किडनैपिंग का केस है, तो फिर आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते क्योंकि ये हमारा घर का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, हम बस चाहते हैं कि आप थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए हमारे बच्चों को ढूंढने में। सॉरी, बिना रिपोर्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी एक लड़की ने एक लड़के को किडनैप किया, ये बात मानना बहुत मुश्किल है। पर इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बेटे की करतूत को छिपाने के लिए उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो। कि आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए, उस लड़की ने खुद हमें फोन पर ये कहा है कि वो हमारी मोलू को लेकर जा रही है। अच्छा, एक काम कीजिए ना, उसी से पूछ लीजिए कहाँ लेकर गई है। देवर जी, जाने दीजिए, चले। कुछ पता चला गोपी वो? नहीं माँ जी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वो हमें सोनाक्षी का फोन मिला है यहाँ, और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उसे देखा है, पर अब ये नहीं पता कि वो किस तरफ चले गए हैं। पुलिस तो साफ साफ इनकार कर रही है मदद करने से, क्योंकि हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाया है। मुझे लगता है इस वक्त हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए। पुलिस, कंप्लेन तो मैं अवश्य करूंगी, बस तुम धैर्य मत हारना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा समर हमें मिल जाएगा। जी माँ जी, और जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको सूचित कर देंगे। जय श्री कृष्ण। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।